पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए व्रत रखा है। साथ ही सीमा हैदर ने भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना की है। प्रार्थना कर रही हैं कि भारत देश का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग हो। पाकिस्तान से बिना वीजा 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर अब हिंदू संस्कृति के रंग में पूरी तरीके से रंगती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गतिमान एक्सप्रेस के कोच C2 में बैठे एक शख्स की तबीयत अचानक खराब हो गई। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बाघेल भी ट्रेन में सवार थे। तबीयत को लेकर हुए अनाउंसमेंट के बाद केंद्रीय मंत्री यात्री के पास पहुंचे, जिसके बाद यात्री की प्राथमिक चिकित्सा दी गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल बिजनौर थाना क्षेत्र के स्थित विनायक मेडिकेयर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि नगर निगम की आर्मी ब्रिगेड से रिटायर्ड सैनिक सुरेंद्र कुमार विनायक मेडिकेयर के ICU में भर्ती थी। मेयर सुषमा खरकवाल उन्हें देखने पहुंची। जैसे ही मेयर और उनके साथ ICU में जाने लगे तो अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें जूते उतारने के लिए कहा। बताया गया कि इस बात को लेकर अस्पताल प्रबंधक और मेयर पक्ष में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि अस्पताल के बाहर पोस्टर लग गए, बुलडोजर पहुंच गया। सूचना पर संबंधित थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को जैसे तैसे शांत कराया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सरकारी आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में 89 लड़कियों के गायब होने की जानकारी सामने आई है। मामले की जानकारी के बाद हॉस्टल की वार्डन समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में 100 लड़कियां रजिस्टर हैं। स्कूल परिसर में अव्यवस्था देख जिलाधिकारी ने लापरवाही के लिए जिम्मेदारों को फटकार लगाई और छात्रावास में मौजूद 11 छात्राओं से बात की। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े की निर्मम हत्या का खुलासा किया। सामने आया है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था, जहां युवती के पिता और भाई ने दोनों को संबंध बनाते हुए पकड़ लिया। इस पर पिता और भाई ने दोनों की हत्या कर दी। लड़के का शव गन्ने के खेत में युवती की लाश सरयू नदी के किनारे रेत में गाड़ दी गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रक्षाबंधन पर इस बार बहनों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए UP रोडवेज ने तैयारी शुरू कर दी है। UP रोडवेज की ओर से इस साल रक्षाबंधन पर गाजियाबाद संभाग में 200 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। इन बसों का संचालन 6 दिनों तक किया जाएगा। बता दें कि 30 अगस्त को पूरा देश रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाएगा। 2023 का भारतीय वायुसेना दिवस इस बार संगम नगरी कहे जाने वाले प्रयागराज में मनाया जाएगा। एयरफोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक यह फैसला देश के अलग अलग हिस्सों में वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी की नई परंपरा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन साल 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। भारतीय वायुसेना की जरूरत जब भी थल सेना को पड़ी है, ये रीढ़ की तरह काम आया। अंतरिक्ष जगत में भारत आज इतिहास रचने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मिशन चंद्रयान 3 आज शाम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पश्चिम UP के विभिन्न स्कूल व कॉलेज समेत कॉलोनियों में भी लोग उत्साहित हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सहारनपुर जिले के स्कूल कॉलेजों में हवन और प्रार्थना की जा रही है। प्रशासन के निर्देश पर परिषदीय स्कूलों में भी शाम के वक्त चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण दिखाने के लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। स्कूलों में बड़ी स्क्रीन और LED लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन के सभागार में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिया। उन्होंने कहा कि जिस ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से आपका चयन हुआ है, आपसे भी राज्य सरकार को इसी ईमानदारी की उम्मीद है। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपनी बनाए रखते हुए जब तक सामर्थ्य है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, राज्य सरकार के लिए खेलिए। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने का फैसला किया। मायावती एकला चलो की राह पर चलने को पूरी तरह से कायम है और उन्होंने 2024 में बिना किसी गठबंधन के ही उतरने का निर्णय ले लिया है। लखनऊ में आज बुधवार को हुई बैठक में मायावती के भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश आनंद ने भी शिरकत किया।
इस दौरान मायावती ने भतीजे के कंधे पर हाथ रख कर सियासी संदेश भी दे दिया है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पब्लिक न्यूज़ टीवी।